हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अब वक्त है आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने का। वो सवाल है आपका AKTU के लिए, जो मैं अपनी काउंसलिंग करूंगा। सर बताइए, जो मेरी रैंक है JEE Main 2024 वाली, इस रैंक पे मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, उस कॉलेज में हो पाएगा, मेरे जिले का ये कॉलेज है, लखनऊ का ये टॉप कॉलेज है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि वो कॉलेज बेस्ट है, मेरे बोलने के बाद आपको वो कॉलेज बेस्ट लग जाए, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज के लिए अपनी कट ऑफ को कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक कट ऑफ को कैसे चेक कर सकते हैं, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को कैसे चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, ओपनिंग रैंक का मतलब जिस रैंक से, क्लोजिंग रैंक का मतलब जिस रैंक तक किसी स्टूडेंट को पिछले वर्ष कॉलेज मिला है उस कॉलेज के लिए, उसी के आधार पर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी रैंक है क्या आपको एडमिशन मिल सकता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो आपको मैं स्क्रीन पर चेक करके दिखाने वाला हूँ। 800 से ज़्यादा कॉलेज हैं, मैं बैठकर सबके लिए आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी है, आप उसको समझिए। आपके सवाल इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देना बेहद ज़रूरी हो गया है, जिससे सभी को जवाब मिल जाए। जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा मैसेज पेंडिंग में है, रात में बैठ के मैं 150-200 मैसेज का जवाब दे चुका हूं। अब यहां पर क्या है, आपके लगातार सवाल लेकिन उसी दौरान बढ़ते जा रहे हैं, कमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, सर आप रिप्लाई नहीं देते, कहां से भैया रिप्लाई दे दें, अब इतने लोगों के सवाल हैं और भी काम है, लेकिन फिर भी मैं आपकी समस्या समझता हूँ कि आपकी जो समस्या है मेरी समस्या से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए, स्क्रीन पर देखने का वक्त आ गया है। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग मतलब जिससे, क्लोजिंग रैंक मतलब जिस रैंक तक आपको एडमिशन मिला है पिछले 2023 की काउंसलिंग में, वही आपकी 24 में उसी के आसपास लाइक करती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, AKTU के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं आप काउंसलिंग के लिए। तो चलिए स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, चीज़ें आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये है कट ऑफ चेक करने वाली वेबसाइट का होम पेज, जो कि आपको इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कहाँ सेंड करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर ये लिंक आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके इसको चेक करने वाले हैं। इस पूरी कट ऑफ को प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूँगा। इस तरह से आपके पास एक होम पेज खुलकर आएगा, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, जिसे UPTAC कहते हैं, UPTAC काउंसलिंग के नाम से ये आपकी काउंसलिंग इस वर्ष भी होगी, 2024 में भी। अब यहां आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको फोर्थ जो कॉलम मिलेगा उसी में लिखा होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक UPTAC 2023 फॉर VTech काउंसलिंग। आप बोलेंगे सर ये तो 2023 का है, जी नहीं, ये 2023 का ज़रूर है, लेकिन आपके लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप अनुमान लगाएंगे, इसी के हिसाब से यदि कोई आपको बता भी रहा है तो इसी के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को ध्यान में रखते हुए बता रहा है। आप नीचे वाले लिंक पर जब क्लिक करते हैं, टाइटल के नीचे जो लिंक बना हुआ है एरो का निशान वाला, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप पेज के लिए रिडायरेक्ट किया जा रहा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद जितनी जल्दी चेक कर लेंगे उतनी जल्दी चेक कर लेंगे, काउंसलिंग टाइम पर यह वेबसाइट क्रैश हो जाती है, अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश UPTAC बीटेक काउंसलिंग 2023। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 2023 है, ये 2023 में किस रैंक से किस रैंक तक के स्टूडेंट को एडमिशन मिला उसी की स्टडी करके हम 2024 की कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रखें, इसी चीज़ के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ को डिसाइड करें और देखें क्या मैं उसके क्राइटेरिया में आ रहा हूं। अब यहां सबसे पहले मैं राउंड सेलेक्ट करता हूं, मैं राउंड्स में राउंड 4 सेलेक्ट करता हूं। राउंड 4 मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जो नॉर्मल राउंड होते हैं, जो सच में जो काउंसलिंग के राउंड होते हैं, राउंड 4 तक होते हैं, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड यानी कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, उसमें सीट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसमें तमाम कोटा लगते हैं, इसीलिए उसके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, आपको राउंड 4 तक की कट ऑफ ही चेक करना है। उसके बाद कैसे स्पेशल राउंड करना है उसका भी एक स्मार्ट तरीका है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब आ जाएगा आपकी काउंसलिंग होने लगेगा, नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी रेगुलर राउंड की, तब बताऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं राउंड 4 सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ राउंड 4 आ चुका है। आप अब इसको मैं बता रहा हूँ आप कॉलम की स्टडी कैसे करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है KIT गाजियाबाद का, प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस दिया गया है, और स्ट्रीम क्या है बीटेक, क्योंकि हम बीटेक की ही कट ऑफ चेक कर रहे हैं। कोटा क्या है, ऑल इंडिया कोटा। अब ऑल इंडिया कोटा और होम स्टेट कोटा में अंतर क्या है, ऑल इंडिया कोटा से वो स्टूडेंट होंगे जो यूपी के बाहर के होंगे, जो यदि आप यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप यूपी के डोमिसाइल हैं, तो आप होम स्टेट वाली कट ऑफ को चेक करेंगे। स्टूडेंट होम स्टेट में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अब यहाँ पर क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ओपनिंग रैंक का मतलब क्या है, जिस रैंक से, और क्लोजिंग रैंक का मतलब क्या है, जिस रैंक तक किसी स्टूडेंट को कॉलेज में सीट मिल चुकी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 140,697 से 140,992 तक की रैंक तक के स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली। आप बोलेंगे सर इससे कम है, तो यहाँ आपको समझने वाली बात है, ओपनिंग रैंक से यदि आपकी रैंक कम है तो
आपको तब भी सीट मिलेगी। क्लोजिंग रैंक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओपनिंग रैंक से कम हो सकती है, यानी कि क्लोजिंग रैंक से हमेशा आपकी रैंक कम हो, चाहे वो आपकी, देखिए जो आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक का मतलब क्या है, ओपनिंग रैंक से आपकी रैंक कम भी है, आपकी रैंक मान लीजिए 1 लाख ही है, यहाँ ओपनिंग रैंक 1,40,000 है, तब भी आपको सीट मिल जाएगी, ओपनिंग से कम होगी चलेगा, बट क्लोजिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग से कम चल जाएगा, क्लोजिंग से कम चल जाएगा, लेकिन क्लोजिंग से ज़्यादा वाली रैंक नहीं चलेगी, नहीं होगा एडमिशन। अब यहाँ आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, यहाँ पर EWS BC मतलब क्या है आपका, OBC EWS कैंडिडेट भी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, जो कि सामान्य कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका क्या है कि वो अपना चेक करना चाहते हैं, तो EWS के लिए उनके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो EWS के लिए चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप हर तरह से अपनी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी अपनी ब्रांच के लिए, पर्टिकुलरली इस वीडियो में तो मैं आपको बीटेक के लिए ही बता रहा हूँ। अब यहाँ आप ओपन गर्ल के लिए भी चेक कर सकते हैं, ओपनिंग रैंक यहाँ पर क्या है, 1,50,759 है। अब इससे कम होगा तो हो जाएगा, बट हाँ ये है कि क्लोजिंग वाले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपके होने के चांसेस बहुत कम है। आप बोलेंगे क्या सर ये अंतिम है, क्या ये अंतिम कट ऑफ है, देखिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, इसको देख कर भी ऐसा ना समझिए कि यदि मेरी रैंक इस क्लोजिंग रैंक से थोड़ी ज़्यादा है तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे एक अनुमान लग रहा है, और कोई भी कहीं से भी पढ़ लिख कर नहीं आया, किसी के पास कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, जितने लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं कट ऑफ ये जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, रैंक ये होगी वो होगी, तो सबका ऐसे ही सब लोग बता रहे हैं। अब देखिए राउंड सेलेक्ट करने के साथ हम यहां पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इंस्टीट्यूट भी यहां टाइप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के सामने आप उस इंस्टीट्यूट को टाइप करिए, मैंने ABS इंस्टीट्यूट को टाइप किया है, मैं ABS की पर्टिकुलर कट ऑफ देखने चल रहा हूं, आपको मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई टारगेटेड कॉलेज है, टारगेटेड इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे। अब राउंड 4 मैंने ABS सेलेक्ट कर दिया है, ABS को मैंने सर्च किया है इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में डाल के, अब यहां आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है बीटेक के लिए, आपकी कोटा क्या है, ऑल इंडिया कोटा से हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ओबीसी गर्ल के लिए देख रहे हैं, ओबीसी की नॉर्मल कट ऑफ देख रहे हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पर ओपन कैटेगरी की देख रहे हैं। तो आप यहाँ जब आगे आएंगे तो ओपनिंग रैंक आपकी क्या है, 436,296, अब इससे कम है तब भी आपका हो जाएगा, 436,296 इसकी क्लोजिंग रैंक है, इससे ज़्यादा ना हो, 426,000 से कम होगी हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, कम वाले का हो जाएगा, ज़्यादा वाले का नहीं होगा। आप कैटेगरी वाइज ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ आप और एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं, कैटेगरी के कॉलम में जाके आप एरो पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी भी सर्च कर सकते हैं, मतलब कॉलेज राउंड कैटेगरी, किस राउंड में किस कॉलेज की किस कैटेगरी के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रही है, क्या ओपनिंग रैंक रही है। आपको देखिए ओपनिंग रैंक पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, क्लोजिंग रैंक, क्योंकि क्लोजिंग रैंक का मतलब है कि इसी रैंक तक पिछले वर्ष एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हुआ है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी इस पूरी कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने यहां पर SC गर्ल को सिलेक्ट किया, अब SC गर्ल ABS इंजीनियरिंग में नहीं आया, नो रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, अब इसका मतलब क्या है कि इस कैटेगरी में यानी कि SC गर्ल के कोटा से किसी को उस कॉलेज में सीट नहीं मिली। अब यहां मैं और भी दूसरी इंस्टीट्यूट सर्च कर दिया हूं, KIT गाजियाबाद के बारे में, यहां पर हम उसके लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं इसलिए आपको मल्टीपल कॉलेज दिखा रहा हूं, और कैसे स्मार्ट तरीका है जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। यह वीडियो ऐसी वीडियो है जिसका डाउट आप हमेशा पूरी काउंसलिंग करके चले जाते, लेकिन आप ऐसे पूछते रह जाते, कोई बता ना पाता। इसको आप यदि अच्छे से कर लेंगे, कहीं पर किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी रैंक जो आप जानते हो उसी को बस क्या करना है, यहां पर मैच करवा लेना है, यहां पर अच्छे से इसी में कॉलेज को सेलेक्ट करके यानी कि इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करके राउंड को सेलेक्ट करके आप क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। जैसे मैंने KIT ग्रुप ऑफ KIT गाजियाबाद का यानी जो सेलेक्ट किया है, इसी को हम KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसी को आप शॉर्ट फॉर्म में KIT गाजियाबाद कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं बीटेक होम स्टेट, SC गर्ल फीमेल के लिए जो इनकी कट ऑफ गई है 3,45,450 आपकी गई है, जो आपकी क्या है ओपनिंग रैंक है, ठीक है। आप इस तरह से इसको रीड कर लेंगे, अच्छे से इसको मैच करवा लेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही, नीचे देख सकते हो IT की भी कट ऑफ दी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी। ऐसा मत सोचना कि ऊपर ऊपर तो कंप्यूटर साइंस दिख रहा है तो उसके अलावा और किसी कट ऑफ नहीं, सबकी कट ऑफ है भैया, सब जाओ सब चेक करो, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर देंगे, कुछ भी फंसने वाला नहीं है। काउंसलिंग के बेस्ट चैनल पर बेस्ट तरीका आपको बताया जाएगा कि कैसे काउंसलिंग करना है, सभी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आपकी होंगी तो जल्दी चेक कर। तो ये एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि आपको अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हिसाब से कैसे अपनी रैंक को सेट करना है, अपनी रैंक से कैसे पता लगाना है कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं। कुछ लोग डीमोटिवेट हो गए होंगे, कुछ लोग मोटिवेट हो गए होंगे, कुछ लोग बहुत खुश हो गए होंगे। अब जिनका मोटिवेशन थोड़ा डाउन हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूं, कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं होती है। पहली चीज ये है, जीवन की कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं होती है, जो अंतिम होती है उसके बाद लड़ाई नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसके लिए आप कैसे निकलेंगे, आप डायरेक्ट एडमिशन का तरीका अपना सकते हैं, मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, कुछ कॉलेज अपने भी संपर्क के हैं जहां
जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं कम से कम पैसे में, 50,000-60,000 की फीस तक भी कुछ कॉलेज हैं, उनके बारे में मैं आपको सजेशन दे दूंगा। पहले भी मैं आपको देता रहा हूँ कि रिजल्ट के पहले जिनका नंबर कम आ रहा है आंसर की में देखकर, लेकिन आप क्या है, आप रिजल्ट देखने के बाद ही सतर्क हुए हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर जितने स्टूडेंट आए सभी का एडमिशन हो, सभी बेस्ट कॉलेज में पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपकी AKTU के लिए जो काउंसलिंग आप करने वाले हैं उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। AKTU 2024 की काउंसलिंग आप सभी लोग बेहतर तरीके से करें, इस चैनल की गाइडेंस में अच्छे से चीजों को समझें। आने वाले वीडियो में कुछ और भी बेहतर तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग में कम नंबर पर अच्छे कॉलेज कैसे लिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।